हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चोपड़ा ब्रदर आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल। जो पिछली वीडियो आपने वो देख ली होगी, नहीं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो कि हमने क्राफ्ट बनाया है वो उसी वीडियो में बनाए थे हमने, आप पीछे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में कलरिंग करेंगे इस अपने क्राफ्ट पर। ये देखिए, मैंने इसे ब्लू कलर कराया। आप स्किन कलर इसे टोन देकर और भी अच्छा बना सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो वो कलर कर सकते हैं। हमने ब्लू कलर करा है इस पर और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। आप कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जो मर्जी हो। देखिए, दोनों पर हमने ब्लू कलर कर दिया है। अब हम इन पर येलो कलर करेंगे। येलो कलर हमने इनके कपड़ों के ऊपर लिया है। आप रेड, ग्रीन, कोई सा भी कलर ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई अपडेट्स वीडियो सबसे पहले आप पे पहुँचें। फ्रेंड्स, आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छी तरह से धीरे धीरे फिनिशिंग करके कलर कर देंगे। यहाँ पर मैंने फैब्रिक एक्रेलिक कलर ले रखे हैं। आप भी फैब्रिक एक्रेलिक कलर ही लें क्योंकि ये जो कलर है थोड़ी फिनिशिंग आई है इसमें। इन्हें हम अच्छी तरह से कर देंगे। अब हम अपने क्राफ्ट में थोड़ी डिटेलिंग देंगे। पहले इसके हेयर्स पर कलर कर देते हैं। ये जो फैब्रिक कलर का इसमें यूज़ करा गया था, फैब्रिक कलर की बॉटल का, ये बहुत अच्छा यूज़ है। आप इसे घर में कहीं भी सजा सकते हैं, जैसे ड्राइंग रूम पर, ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर भी सजा सकते हैं और कॉर्नर में भी सजा सकते हैं कहीं भी। देखिए, अब पेंट हो ही चुका है। अब हम इस पर इसके ड्रेसेस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। आप अपना मन चाहे डिज़ाइन कुछ भी बना सकते हैं। मैंने पहले एक लाइन बनाई है और फिर बॉर्डर बनाकर इस पर डिज़ाइंस और पैटर्न बनाया। आप लाइट कलर पे डार्क कलर की डिज़ाइन बनाएं जिससे वो अच्छी तरह से पॉपअप हों और भी अच्छे लगें। कलर हमेशा जो इन क्राफ्ट पर करें ब्राइट कलर करें, क्योंकि ये जो छोटे छोटे क्राफ्ट होते हैं ये दूर से भी देखने पे अट्रैक्ट करेंगे। फिर डिटेलिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो DIY है ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से ही बनता है। अब देखिए, अब आप इसमें ब्लैक कलर कर दीजिए। जो हमने इस क्राफ्ट को डिज़ाइन करा है वो एक विलेज कल्चर को डिज़ाइन करा है इस क्राफ्ट को। आप इसमें और भी मनचाहे डिटेलिंग कर सकते हैं। अब हम रेड कलर से इसके लिप्स विप्स बना लेंगे। फ्रेंड्स, कलर करने में बहुत मज़ा आता है किसी भी क्राफ्ट को। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कलरिंग करने में मज़ा आता है या फिर क्राफ्ट बनाने में। मेरे को तो कलरिंग करने में बहुत मज़ा आता है। आईज़ की डिटेल कर लेंगे अच्छी तरह से। आप डिटेलिंग के लिए पतला ब्रश यूज़ करें, मोटा ब्रश ना यूज़ करें। काफ़ी अच्छी तरह से डिटेलिंग करें। फ्रेंड्स, घर में जो हाथों से बनाए हुए क्राफ्ट होते हैं वो बाज़ार से लाए हुए जो क्राफ्ट होते हैं उनके मुकाबले में बहुत अच्छे होते हैं और वो हमें अच्छे भी लगते हैं क्योंकि वो हमने बनाए हुए होते हैं। अच्छी तरह से जैसे मैंने आइज़ की डिटेलिंग कर ली है, दोनों की आइज़ बना ली है। अब ऑर्नामेंट्स में भी कलर कर लेंगे। पहले लेडीज़ के लिप्स में कलर कर देते हैं अच्छी तरह से। हमारा क्राफ्ट का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। ये बनकर बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं और भी। ये देखिए, बस अब ऑर्नामेंट्स में मैं गोल्डन कलर कर देता हूँ। देखिए, हमारे क्राफ्ट कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हम और डिटेलिंग कर लेते हैं। आप 3D आउटलाइनर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं डिटेलिंग के लिए।